Hi friends! Once again, you are heartily welcome in Info. Today in this video, we will talk about a poem that is written in Middle English. Poem is Sir Gawain and the Green Knight. The author of this poem is anonymous, but it is believed that it is written by Pearl poet and the language is middle english and the genre of this poem is chivalric romance written in alliterative verse it contains 2530 lines and 101 stanzas only one single manuscript is available in the british library cotton ms nero x its setting is castle of king arthur इट इज ऑल्सो ए अर्थेरियन लेजेंड स्टोरी स्टार्ट वैन किंग अर्थर एंड हिज रिलेटिव आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम द ग्रीन नाइट कम्स एंड चैलेंजेस टू डूल विथ अबेट ग्रीन नाइट कैसल में आता है और सबको चैलेंज करता है लड़ने के लिए जब लड़ने के लिए सबको चैलेंज करता है तो ग्रीन नाइट का जो नेफ्यू होता है किंग अर्थर का नेफ्यू सरवाइन ये फाइट के लिए या डूल के लिए तैयार हो जाता है और शर्त इस प्रकार की होती है कि एक ही अटैक करना है एक ही अटैक में सामने वाले को मार देना है तो सबसे पहले सरगोइन तैयार होता है मारने के लिए ग्रीन नाइट का डेथ करने के लिए सर एक ही प्रहार करता है ग्रीन नाइट का गर्दन कट जाता है लेकिन जो ग्रीन नाइट होता है वो मिस्टीरियस रहता है वो अपनी गर्दन को उठाता है और फिर जोड़ लेता है अब नंबर आता है ग्रीन नाइट के अटैक का लेकिन जब ग्रीन नाइट अटैक करने वाला होता है सर बोलता है कि प्लीज़ स्टॉप आई हैव टू मैनी डीड्स इन माई लाइफ मुझे अभी बहुत से काम करने हैं जो अधूरे हैं मैं कुछ वादा भी किया हूँ उस वादे को पूरा करना है अभी मुझे छोड़ दो सिर्फ एक साल का वक्त दे दो मैं अपने वादे को पूरा कर लूँ तो मैं तैयार हो जाऊँगा मरने के लिए तो इस बात को लेकर ग्रीन नाइट तैयार हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं एक साल का वक्त देता हूँ और वो चला जाता है अब सर गोइन अपने वादियों को पूरा करता है जब एक साल बीतता है तो तैयार होता है ग्रीन नाइट से मिलने के लिए और अपने जान को देने के लिए तो अकॉर्डिंग टू दैट सर गोइन हैड टू गो टू ग्रीन चैपल What is Green Chapel? Green Chapel is the place where Green Knight used to live. So he went to Green Chapel for surrender for dying. Sir Gawain reaches at the castle of Bertilak, where he was living with his wife Morgan Lee Pye. ही स्टे थ्री डेज़ देयर तो सर गोइन ग्रीन चैपल जाते समय एक कैसल पर रुकता है वहाँ पहुँचता है एड्रेस को पूछने के लिए वहाँ पर दो लोग रह रहे थे बार तिलक और उसकी वाइफ मॉर्गन लीफ तो है तो दोनों से एड्रेस पूछते हैं तो दोनों बताते हैं कि अभी ग्रीन चैपल बहुत दूर नहीं है सिर्फ दो मील का डिस्टेंस है लेकिन यहाँ रुकी ठहरिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए तब उसके बाद जाइए तो सरगोइन वहाँ पर तीन दिन तीन रात रुकता है और साथ ही साथ बर्ड तिलक एक हंटर होता है वो डेली जाता है शिकार करने के लिए जब अगले दिन बाढ़ तिलक शिकार के लिए जाता है तो एक शर्त रखता है सर गोइंद से एक शर्त बोलता है कि आज दिन में जो मैं शिकार करके लाऊंगा सब बराबर शेयर करेंगे और जो तुम हंट करोगे शिकार करोगे या तुम्हारे द्वारा जो शिकार किया जाएगा उसको भी बराबर शेयर किया जाएगा शाम को तो हर गोइंद स्टेज देयर मॉर्गन लिफाइट try टू seduce जब बार तिलक शिकार पे चला जाता है तो उसकी पत्नी घर पे रहती है और सर भी रहता है तो उसकी पत्नी मॉर्गन लिफाइव उसको सेड्यूस करने का प्रयास करती है लेकिन सर अपनी कुछ बर्चूज़ को मेंटेन रखना चाहता है उसकी जो बर्चूज हैं फाइव बर्चूज हैं कुकिंग अर्थर के द्वारा वार्न किया गया था कि तुमको अपनी लाइफ टाइम में फाइव वर्चूज़ को बचा के रखना है वो फाइव वर्चूज़ हैं जनरस्टी चेस्टिटी फेलोशिप कॉर्टेसी एंड कंपैशन। सो इन पांचों वर्चूज़ को मेंटेन रखने के लिए सरगोइन लिफ्ट नहीं देता है और वो अपनी चेस्टिटी को बचाने का प्रयास करता है वैन बाड़ तिलक फ्रॉम फ्राम हंटिंग बिथ ए बोर जब फर्स्ट डे शाम को बाड़ तिलक शिकार करके आता है तो दे शेयर बोर वो बोर को शेयर करते हैं बांटते हैं और सर गोयन से पूछते हैं तुम्हें है द्वारा क्या शिकार किया गया तुम भी चलो बांटिए उसको शेयर करिए तो बाड़ तिलक उसको एक किस देता है किस क्यों देता है क्योंकि जब बाढ़ तिलक हंटिंग पे गया था तो उसकी बीवी उसको शेड्यूस करने का प्रयास की थी और एक किस की थी तो किस दिन भर में वो कमाया था वही वो, वो हंट किया था इसलिए शाम को उसको किस करता है अगले दिन भी ऐसे होता है सेम शिकार करके बाड़ तिलक आता है और वो अपने आप को शेयर करता है और दूसरे दिन सर गोइन दो किस देता है क्योंकि दूसरे दिन उसकी जो वाइफ होती है वो दो बार किस की रहती है तो दो किस को उसको शेयर करता है और जो थर्ड डे आता है तीसरा दिन आता है तो वो एक फॉक्स को मार के लाता है बार तिलक और उसको शेयर करते हैं और तीसरे दिन इधर मॉर्गन जो बार तिलक की वाइफ होती है इसको शेड्यूस करने का प्रयास करती है और किस भी करती है और उसको अपनी गर्डल देती है ये बोलती है कि इस गिर्डल को तुम रखोगे अपने पास रखोगे तो ये तुमको शत्रुओं से बचा कर रखेगा कोई भी परेशानी नहीं आएगी वो लेना नहीं चाहता था लेकिन वो सोचा कि हमको जाना है ग्रीन चैपल और मुझे मरना पड़ेगा हो सकता है कि मेरी जान इससे बच जाए तो इसलिए वो गर्डल को बचा के रख लेता है लेकिन जब शाम को वो फॉक्स को शेयर करता है तो झूठ बोलता है कि आज मैंने कोई शिकार नहीं किया है लेकिन शिकार तो किया नहीं था लेकिन वो गिर्डल रख लिया था वो तीसरे दिन बताता नहीं है झूठ बोल देता है अब चौथे दिन सर ग्रीन चैपल की फिर रवाना हो जाता है रवाना होते ही बार तिलक उसको एक गाइड देता है कि जाओ तुमको ये रास्ता दिखाएगा लेकिन कुछ दूर जाता है बाड़तलक का गार्ड जो अब सर गोइन का एक गाइड बन के जा रहा है कुछ दूरी बाद वो लौट आता है और सर गोइन अकेले ही ग्रीन चैपल पहुंचता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है ग्रीन नाइट अटैक्स थर्ड टाइम जब वो सरगोइन ग्रीन चैपल पहुंचता है सरेंडर करता है तो ग्रीन नाइट उसको पहला प्रहार करता है लेकिन पहले प्रहार में उसको कोई खरोच नहीं आती है दूसरा प्रहार करता है उस पर भी कोई खरोच नहीं आती है लेकिन जब ग्रीन नाइट थर्ड अटैक करता है तो उसके गले से थोड़ा सा ब्लड निकलता है उधर ग्रीन नाइट भी हैरान हो जाता है कि इसकी डेथ क्यों नहीं हो रही है और पहली बार दूसरी बार तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा तीसरी बार इतना ब्लड क्यों निकला तो बताता है कि तुम झूठ बोले हो तुम दो दिन या तीन दिन जो भी रहे जो भी किए तीसरे दिन तुम मेरे साथ गद्दारी की इसीलिए इतना खून निकला है और मैं ग्रीन नाइट हूँ और जो तुमको लेडी मिली थी वो कोई मेरी पत्नी नहीं या कोई गैर नहीं वो किंग अर्थर की सिस्टर है किंग अर्थर की सिस्टर आपका टेस्ट लेना चाहती थी इसलिए वो सब ढोंग रचा और तुम्हारा टेस्ट कामयाब रहा तुम अपने बर्चूज को मेंटेन करने में सफल रहे इसलिए मैं तुमको माफ़ करता हूँ इसी के साथ ए स्टोरी और ए पोएम समाप्त होती है धन्यवाद